प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार के रजत जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित शांति कुंज हरिद्वार से पधारे श्री केपी दुबे जी, जो राष्ट्रीय युवा प्रभारी हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के। यहाँ उपस्थित शांति कुंज हरिद्वार से पधारे आशीष जी, बिहार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी मनीष जी, व्यवस्थापक ज्ञान प्रकाश जी, अरविंद जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, निशांत रंजन जी और प्रिय युवा साथियों, वैसे तो रजत जयंती का समय है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की अनेक गतिविधियों से समय समय पर मैं भी वर्ष 2006 से ही जुड़ा हुआ हूं। जो परिकल्पना है युवा प्रकोष्ठ की, समय समय पर मैंने भी उसको अनुभव किया है। लोग बदलते रहे हैं, जिन लोगों से बात 2006 में होती थी, जिन लोगों से हुई, चेहरे बदलते गए, लेकिन ऊर्जा में, दृष्टि में कभी कमी नहीं है। युवा का अर्थ क्या है? युवा मतलब जीवन में उम्र की उस अवस्था जहां व्यक्ति के मन में एक स्वप्न होता है कुछ करने का, अपने जीवन में जीवन रूपी यात्रा बहुत बची होती है ऐसा दिखता है। एक स्वप्न के साथ साथ एक सकारात्मकता होती है, पॉजिटिव। यदि किसी व्यक्ति से जो उम्र की उस अवस्था में हो, जिनको ऐसा प्रतीत होता हो कि वे जीवन बहुत दिन जी लिए, बहुत अनुभव मैंने ले लिए, कई बार अधिकांश रूप में लोग उस सकारात्मकता का प्रवाह करते हुए नहीं दिखते, लेकिन युवा अवस्था में जो ऊर्जा है वो सकारात्मक है। व्यक्तिगत रूप से मेरे पास भी, मैं भी जब भी आया प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में, मैं भी कुछ लेके गया हूं, चाहे 2006 की बात हो, 8 की बात हो, उसके बाद वर्ष 2015 में भी आना हुआ, 16 में आना हुआ, फिर कुछ दिन में भागलपुर रहे, लौट के आए, तब से प्रत्येक वर्ष 2020 से निरंतर उपस्थित रहा हूं। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती पर, अभी हम लोग सुन रहे थे, संक्रमण का समय है, परिवर्तन का समय है, समय है बहुत कुछ सीखने का। तो मेरे मन में द्वंद्व था कि हर वर्ष हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, तो इस वर्ष होगा या नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां परिवर्तित हुई और युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित भी हुआ। निश्चित ही बहुत लोग इसमें होंगे जो उसमें सम्मिलित रहे होंगे। उस दिन युवा दिवस पर आमतौर पर जब भी मैं आया हूं तो मैंने बातें की हैं युवा के व्यक्ति के मन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या हो, जीवन के लक्ष्य में यदि सफलता प्राप्त करनी हो तो किस प्रकार से कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। तो बातें तो वैसे ही शुरू हुई थी। बातें जब शुरू हुई तो युवावस्था के महत्व को बताते हुए मैंने बताया कि भाई किसी शिल्पकार की कल्पना कीजिए जिसके पास कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो, उसके मन में एक परिकल्पना हो कि इस पत्थर को एक रूप देना है, एक आकार देना है, जिससे कोई बड़ी अच्छी मूर्ति बनकर तैयार हो, जिसको सभी लोग देखें, अति दर्शनीय हो। उसके मन में परिकल्पना को लेकर अपने कार्य में लग जाता है, एक छेनी लेता है, हथौड़ी लेता है और धीरे धीरे यत्न करता है। परिकल्पना उसके मन में है, लेकिन उसके साथ जब यत्न करता है तो धीरे धीरे उस पत्थर के आकार में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। यदि जिस परिकल्पना उसके मन में थी उसके हिसाब से वो चलता रहा तो निश्चित ही आकृति बनती है, बड़ी मनोहर होती है, दर्शनीय होती है, दूसरों को प्रेरित करती है,
लेकिन यदि उससे कोई चूक हो गई, कहीं कोई गलती हो गई, करना कुछ और चाहता था, परिकल्पना कुछ और थी, लेकिन कुछ कारण से दृष्टि भ्रम हो गया, भटक गए, तो आकृति क्या रूप लेगी? निश्चित है कि जो परिकल्पना थी वह स्वरूप तो नहीं लेगी। तो जो शिल्पकार है, जो ऐसी परिकल्पना लेकर चला होगा, उसके मन में किस प्रकार के भाव जगेंगे? प्रारंभ में तो बड़ा पॉजिटिव होगा कि भाई ऐसी मूर्ति बनाना चाहता हूं, लेकिन जब उसमें सफल नहीं होगा तो क्या भाव जगेगा, किस प्रकार का भाव जगेगा? निराशा जगेगी ना, जब सोचेंगे कि पहले तुम चाहते थे इतनी अच्छी मूर्ति बनाए, लेकिन बाद में बन गया कुछ और। तो युवावस्था में हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई परिकल्पना है कि नहीं है? हर व्यक्ति सोच रहा है कि आज से 25 साल बाद कुछ करेंगे, 20 साल बाद कुछ करेंगे, कुछ और दूरदर्शी हैं, 50 साल बाद तक की नीति बना के चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं कि अगले 5 साल में क्या करना है, कुछ है जो अभी तुरंत की नीति बनाकर चल रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक अवधारणा, एक कल्पना है। जब सही तरीके से उस शिल्पकार की तरह उस परिकल्पना को लेकर चलेंगे और जो लक्ष्य है उसको तय करेंगे, तो निश्चित है सकारात्मकता और बढ़ेगी। आपको लगेगा कि जो लक्ष्य तय किया था, चलो ये तो बन गया, अब अगले लक्ष्य की ओर चलते हैं। लेकिन यदि उसमें कोई त्रुटि हुई, तो पत्थर में यदि परिवर्तन होने लगे, तो शिल्पकार कितना भी चाह ले, जब आधा परिवर्तन हो चुका हो, कुछ समय बीत चुका हो, और पुनः हुआ चाहे कि पुनः मैं फिर से प्रारंभ करूं, तो संभव है क्या? पत्थर तो नया आकार ग्रहण कर चुका होगा। तो जीवन रूपी यात्रा का सार भी यही है। हर व्यक्ति युवावस्था में अलग अलग प्रकार की परिकल्पना लेकर निश्चित ही चलता है, उसके मन में इच्छा होती है ये करना चाहिए। लेकिन यदि इच्छा बहुत सुदृढ़ नहीं हुई, उसके लिए आपने यथोचित परिश्रम नहीं किया और कहीं मार्ग से भटके, तो यात्रा मौके नहीं देती है। जो परिकल्पना है आपके मन में, अगर गलती हो गई तो बड़ा सुदृढ़ होकर चलना पड़ता है, मार्ग कठिन है। कोई भी व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे, बहुत आसान नहीं है। ईश्वर ने जो चीजें बना रखी हैं, इस प्रकार की बना रखी हैं कि जब आप किसी लक्ष्य की ओर चलते हो तो हर पल पे परीक्षा होती है। हर पल पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें साधक को लगे कि उसकी परीक्षा हो रही है। बहुत लोग विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और अधिकांश लोग वैसे ही होते हैं जिनके मन में जो परिकल्पना थी उसको साकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ की, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की, गुरुजी के विचारों की, किस प्रकार युग परिवर्तन संभव हो, तो हम कैसे युवाओं की परिकल्पना कर रहे हैं, कैसे लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं, किस प्रकार के गुण युवाओं में विकसित करना चाह रहे हैं, इसी के लिए तो हम यहां बैठे हैं। तो पिछली बार जब मैं आया था तो मैं भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां से लेकर गया। बातें हो रही थी इसी प्रकार से, किस प्रकार लक्ष्य के लिए, तो मैंने साझा किया, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग। तीन प्रकार के लोग होते हैं, राजा भर्तृहरि ने लिखा था, उसको हम लोग पढ़ते थे हिंदी में। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। इच्छा सबके मन में है, आधे लोग तो पहले ही देखा कि कार्य कठिन है तो चले ही नहीं, कुछ लोग परिश्रम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन यात्रा तो परीक्षा लेगी, परीक्षा अनेक प्रकार से लेगी। किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक कोई ऐसा संकट उत्पन्न हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए किसी अन्य रूप में, आर्थिक रूप में उत्पन्न हो सकता है। लेकिन सफल कौन होते हैं, कौन ऐसे शिल्पकार होते हैं जो उस आकार को साकार कर पाते हैं जो उनके मन में थी? तो भर्तृहरि कहते हैं, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल।
मन में यदि कोई इच्छा जगी तो सबसे पहले इच्छा हो, साथ में निष्ठा में कोई कमी नहीं। लेकिन निष्ठा में कमी नहीं हुआ, पूरी मेहनत भी कीजिए, तो जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि करना ही, उचित करना ही है, जैसे सामने स्वामी विवेकानंद जी की बात लिखी हुई है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, इस प्रकार की एक दृढ़ निश्चय की शक्ति, उस प्रकार की कल्पना हर समय जो आपको प्रेरित करे ये करना है, तो कहीं कोई कमी नहीं है। विवेकानंद जी की पिछली बार में आया था, उस समय भी शायद कुछ परिवर्तन हो गया है, लेकिन निश्चित अभी भी कहीं लिखा अवश्य होगा कि समस्त सृष्टि की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर समाहित हैं, और यदि तुम कहते हो अंधकार है तो तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी। क्यों कहते हैं? अभी बात हो रही थी मनुष्य में देवत्व की अनुभूति कराने की। हम तो बिहार से आते हैं, पिछले बार भी ऐसे ही बिहार पे बात शुरू हुई, तो बिहार से ही बात शुरू करते हुए, बिहार से जब आते हैं तो मैंने उससे प्रश्न करना शुरू किया कि भाई बिहार को जब सोचते हैं तो चलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में भी बात करते हैं, तो कब से करते हैं? उसके बाल्यकाल से करते हैं ना, बताते हैं बचपन में यहाँ पढ़े थे, ऐसे हुए, बाद में युवावस्था आई तो उन्होंने ये किया, बाद में समाज में इस प्रकार योगदान दे रहे हैं। तो बिहार की भी जब बात हम लोगों ने की तो सबसे पहले बात की अतीत की। तो अतीत में मैंने पूछा बिहार कैसा था, पहली बात जो आप बिहार का स्मरण करते हैं तो क्या करते हैं? तो बड़े सभा में जैसे हम लोग बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लगा, सबने, किसी ने नालंदा कहा, किसी ने विक्रमशिला की बात की, किसी ने उसको उस रूप में परिभाषित किया कि शिक्षा बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा सारांश तो यही है कि बिहार प्राचीन काल से ज्ञान की भूमि थी, जिससे हम लोग सभी लोग गौरवान्वित होते हैं। भारत पूरे क्षेत्र को यदि देखें तो भारत को भी आध्यात्मिक रूप में जब चिंतन करते हैं तो भा और रथ दो शब्दों के संयोग से भारत को हमारे ऋषियों ने उस रूप में दृष्टि की। भा का अर्थ क्या है? भा का अर्थ क्या है? क्या है प्रतिभा ने भा का अर्थ क्या है? ज्ञान। भा का अर्थ तात्पर्य ज्ञान से, तभी हम लोग कहते हैं प्रतिभा जिसमें भा हो, है ना? और रथ का अर्थ होना मतलब उसमें लीन होना, तो उस भूमि का क्षेत्र जिसमें लोग ज्ञान में लीन हो उसी को तो भारत कहते हैं। और भारत में जब ज्ञान के विकास की बात कीजिए तो ज्ञान की जब बात करते हैं तो प्राचीन काल में हम वेदों की बात करते हैं, वैदिक परंपरा पढ़ी, सबसे प्राचीन पुस्तकाल जो मानव जाति का यदि कोई है तो ऋग्वेद है। उसमें भी जब वैदिक परंपरा बढ़ती गई, हर चीज में अभिवृद्धि होती है, तो उस परंपरा का अंत कहां हुआ है? परंपरा तो आज भी प्रेरित कर रही है, लेकिन वेदों ने भी जिसको अंत कहा उसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद। उपनिषद की भूमि का जो स्मरण करते हैं, जब उन श्लोकों को पढ़ते हैं, मंत्रों को देखते हैं, तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, जिसके चिंतकों का, जिसके दार्शनिकों का, उनके विचारों का हम अध्ययन करते हैं? बताइए। मिथिला, प्राचीन मिथिला में ही हम राजा जनक के साथ अष्टावक्र का संवाद देखते हैं, महर्षि याज्ञवल्क का संवाद देखते हैं, उस सभा को देखते हैं जिसमें पूरे भारत से, तक्षशिला से लेकर दक्षिण से लेकर हर क्षेत्र से विद्वान आए थे, और उनमें सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी की पहचान होनी थी। उसमें किस प्रकार याज्ञवल्क विजित हुए उस विवरण को हम पढ़ते हैं, मानवीय प्रश्नों को हम देखते हैं, एक पति पत्नी का संवाद जब याज्ञवल्क और मैत्रेयी में होता है, और जब सभा में भारत के उस प्राचीन काल में भारत के विदुषी गार्गी वाचकनवी को देखते हैं, जिनके अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा थी कि सत्य को पूर्णता जानना चाहती थी, जब सारे भारत के विद्वान भी उपस्थित थे तो ऐसे में क्या होता है, जब बहुत विद्वान लोग उपस्थित हो तो निश्चित है कि हर व्यक्ति को मन में संशय होता है कि मैं कितना जानता हूँ, मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल दूँ जिससे सभा में मैं उपहास का पात्र बन जाऊँ, तो हर व्यक्ति सामान्यतः शांत रहना चाहता है। लेकिन उसमें हमारी प्राचीन विदुषी खड़ी हुई और उसमें सबसे बड़े विद्वान को उन्होंने चुनौती दी,
तो इस प्रकार की बात जब हम लोगों ने की तो अगली बात आई ज्ञान की भूमि थी, फिर हुई शौर्य की भूमि थी। मगध का नाम अभी कुछ लोग ले रहे थे, मगध का जब स्मरण करते हैं तो शौर्य की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार उद्यमिता की बात हुई, जब अनेक राष्ट्रों का हम स्मरण करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, जहां बिहार का प्रभाव आज भी दर्शित होता है, उसमें वियतनाम का हम स्मरण करते हैं कि 1000 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया, अनेक उदाहरण है, सभी जानते हैं, हर व्यक्ति गौरवान्वित होता है जब बिहार की बात करते हैं तो होते हैं, प्राचीन काल को याद करते हैं तो होते हैं। लेकिन अगला प्रश्न जब हुआ, वहीं से जो मैं लेके गया उसका प्रारंभ होता है, अगला प्रश्न हुआ कि वर्तमान के बारे में क्या सोचते हैं। तो वर्तमान के बारे में जब पूछा गया तो बड़े मिश्रित, जो लोग इतने गर्व से बोल रहे थे कि भाई ज्ञान की भूमि थी, नालंदा थी, मगध साम्राज्य था, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, पुष्यमित्र शुंग थे, ऐसे ऐसे तो हमारे राजा थे, इस प्रकार के लोग थे। जब चिंतन इस पर होने लगा वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में जब सोचते हैं, तो प्रश्न हुआ कि बिहार के भविष्य के बारे में कितने लोग शत प्रतिशत यह विश्वास रखते हैं कि भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा, और ऐसा उज्ज्वल होगा कि समस्त भारत को, समस्त विश्व को प्रेरित करेगा। जब यह प्रश्न मैंने पूछा, कुछ समय तक के लिए इसी सभागार में सन्नाटा छा गया। बहुत धीरे धीरे 3-4 हाथ उठे जिन लोगों ने कहा कि मैं मानता हूं और मेरा विश्वास है कि बिहार का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। तब मुझे लगा ये तो सामने लोग बैठे हैं जिनको बिहार का भविष्य गढ़ना है। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में कौन लोग आते हैं? जिनके मन में कुछ समाज के प्रति करने का विचार हो, जिनके मन में कुछ शुद्ध रूप से करने का विचार हो, अपने जीवन में स्वयं स्थापित होने का विचार हो, और स्थापित होने के पश्चात केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहे, समाज को कुछ दें, ऐसे ही लोग मिलते हैं ना। सबके मन में है पहले स्थापित हो जाएं, एक बार स्थापित हो गए तो केवल अपने लिए नहीं जिए, नहीं तो कुछ और भी कर सकते थे। रविवार को हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि जीवन में कुछ सकारात्मक हम चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में भी यदि भविष्य के प्रति निराशा है तो फिर तो स्थिति बड़ी गंभीर है। कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिहार की जब हम कल्पना करते हैं प्राचीन काल में, तो हम लोगों ने बात की वेदांत का दर्शन संभव हो सका, क्यों हो सका? किसी और क्षेत्र में भी तो हो सकता था। वेदों की रचना, वेदों की दृष्टि सरस्वती के किनारे जो आज विलुप्त है, पाकिस्तान में है, राजस्थान में है, आज उस सरस्वती की विलुप्त धाराओं को हम अनुभव कर सकते हैं, पंजाब में है, हरियाणा में है। लेकिन वैदिक परंपरा का अंत जब वेदांत के रूप में हुआ तो उसकी क्या विशेषता थी? सामान्यतः विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी यदि आप देखें तो किसी व्यक्ति के ज्ञान अर्जन की, किसी व्यक्ति की अभिलाषा की क्या सीमा होती है? सीमा सामान्य रूप से भौतिक होती है। हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ कर लूं, कुछ अर्जित कर लूं, धन अर्जित कर लूं, इतना शक्तिशाली बन जाऊं, इस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, इस प्रकार के पद को ग्रहण कर लूं, इसी प्रकार की अभिलाषा हर व्यक्ति में होती है। लेकिन बिहार के हमारे पूर्वजों की दृष्टि कैसी थी? क्या केवल इन भौतिक तत्वों को आधार मानकर ज्ञान को सीमित रखना चाहते थे? गर्व होता जो हम देखते हैं, भौतिक तत्वों की बात कीजिए तो उसमें भी कमी नहीं थी। शून्य की परिकल्पना इसी भूमि में होती है जिसने विज्ञान को जन्म दिया, हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन आध्यात्मिक तत्वों के गूढ़ रहस्यों को जानने की जो जिज्ञासा दिखती है, अन्यत्र नहीं दिखती। तभी तो उपनिषद की कल्पना साकार हो सकी, साक्षात हो सकी। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, राजा की अब कल्पना कीजिए, किसी क्षेत्र में राजा कैसे होते थे? राजा का ध्यान कहाँ रहता था? राजकाज पे रहता था। लेकिन यहाँ जनक की परंपरा थी जिसमें अनेक जनक आए और सब के मन में उस तत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से किया जाए, इसके विमर्श हम पाते हैं। कारण क्या था? कोई और क्षेत्र भी हो सकता था, क्या बताता है? अगर उपनिषद की बात कीजिए, उसमें जो मूल है क्या है? अगर मूल पूछा बहुत
उत्तर हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप में यदि उपनिषद को परिभाषित करने की, उपनिषद क्या बताना चाहते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो कुछ पढ़े हैं उपनिषद के बारे में, आते हैं, सुने हैं? हम ब्रह्मास्मि, कितने लोग सुने? दो ही लोग सुने। तत्त्वमसि सुने? क्या अर्थ बताइए, आप सुने हैं, बताइए क्या अर्थ? तत्त्वमसि आप सुने हैं, बताइए। वह तुम ही हो, नहीं जो आप लोग हाथ उठाए थे इधर, अहम ब्रह्मास्मि, बताइए। बैठिए। अगर वैदिक सोच को देखें, उस परंपरा को देखें जिसको हम वेदांत कहते हैं, तो वेदांत में स्मरण करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। इस तात्पर्य को यदि समझ गए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। दृष्टि अलग है, दृष्टि वह है, इस मंत्र को जब पढ़ते हैं तो सबसे हर शब्द में क्या दिखता है? पूर्ण, पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट। तो ऐसी पूर्ण किसको कहा गया है? जिसमें कोई कमी नहीं हो किसी प्रकार की, ऐसा किसके बारे में कह सकते हैं कि पूर्ण है? पूर्ण कौन है? भगवान, परमात्मा, उन्हीं को पूर्ण कह सकते हैं ना। बाकी हर व्यक्ति में आप सोचते हैं तो आपको दिखती है कोई ना कोई अपूर्णता है, लगता है इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। लेकिन जब भगवान की कल्पना करते हैं, परमात्मा की कल्पना करते हैं, तो क्या कहते हैं? हमको लगता है सारी सृष्टि को संचालित करने की हर शक्ति वहां समाहित है, तभी तो हम प्रणाम करते हैं, हम हर प्रकार की बात उनसे मांगते हैं, सोचते हैं कि यदि ईश्वर की अनुकंपा हो गई तो जीवन बदल जाएगा, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? और मंत्र क्या कहता है? मंत्र कहता है कथा वह पूर्ण ही है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। अब सोचिए ऋषि की दृष्टि क्या है, जो पूर्ण था पूर्ण है पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। उपनिषद कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर वही आत्मा समाहित है, कहता है कि नहीं कहता है? कि भले आपके रूप हो, चीजें बदलती, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पाप का सुने, तो आत्मा जो स्थाई है उसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? परमात्मा कांश के रूप में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बोले मैं ब्रह्म कांश हूं। बात करते हैं ना कि जब आत्मा है तो परमात्मा का अंश है, तो जब पूर्ण है, जैसे किसी धातु को खंडित कीजिए, सोने को छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे, तोड़ेंगे, खंडित करेंगे, तो उसका गुण क्या होता है? सोने का ही गुण होगा ना। तो यदि आत्मा वास्तव में परमात्मा का अंश है तो उसमें गुण क्या होंगे? परमात्मा। और परमात्मा में क्या गुण है? असीम है। असीम को यदि खंडित किया जाए, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे तो छोटा भी कण निकलेगा तो क्या निकलेगा? तो यहां पे बैठे एक एक व्यक्ति में, मुझ में, आप में कितना सामर्थ्य है? कितना सामर्थ्य संभव है? कितना सामर्थ्य है? इतनी शांति क्यों है? जब इतना सामर्थ्य तो आवाज भी तो आनी चाहिए। असीम है कि नहीं है? इसीलिए जीवन में जब लक्ष्य तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, तो जिस व्यक्ति के मन में धारणा स्पष्ट हो, परिश्रम कर निश्चय करे, तो जो असीम क्षमता है प्रस्फुटित होने लगती है और स्थापित कर देती है आपको उस रूप में जिसमें आप प्रेरणा स्रोत बन जाते हो। जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, इच्छा होती है, लेकिन जब उस शक्ति को जान जाता है जो उसके अंदर है, तभी तो स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद ने कहा कि भाई कभी अपने आप को यदि कोई व्यक्ति दुर्बल समझता है, कमजोर समझता है, तो सबसे बड़ा पाप। समस्त सृष्टि की शक्ति तो तुम्हारे अंदर है और फिर तुम कहते हो यदि अंधेरा है तो तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। जीवन में इस मंत्र के अर्थ को समझ गए, उसको ग्रहण करने लगे, जीवन बदल जाएगा। जो छुपी हुई शक्तियां आपको प्रतीत होने लगेंगे, दिखने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे, उस रूप में आपको आगे ले जाएंगी। और जो बिहार की बात करते हैं, तो जो बिहार के इस प्रकार का दर्शन करने वाले लोग थे जिसमें ईश्वर का सारा रूप अपने अंदर देखते थे, जब उस प्राचीन काल में ऐसे लोग होंगे तो किसी परंपरा की क्या होनी चाहिए समय के साथ?
वृद्धि होनी चाहिए, जो परंपरा कोई प्रारंभ में होगी बाल्यकाल में जो विचार आएंगे तो पढ़ने चाहिए। तो बिहार में कुछ ऐसा ही चलता रहा, तभी तो विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, विज्ञान का विकास हुआ, अनेक प्रकार के विद्वान स्थापित हुए हर क्षेत्र में। परंपरा चलती रही, परंपरा ऐसी चलती रही कि बिहार ऐसी भूमि बनी जहां पूरे विदेशों से लोग पढ़ने आना चाहते थे। शौर्य की बात कीजिए तो भाई, जब ज्ञान जहां होगा तो निश्चित ज्ञान हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। क्या गुण थे आज के समय में, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम यहां बैठते हैं, न्यूयॉर्क में भी कोई बैठकर सुन सकता है, सामने लाइव चल रहा है, लोग बहुत लोग सुन रहे होंगे, हम जोड़ सकते हैं लोगों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना तंत्र के माध्यम से। यदि कहीं पहुंचना हो तो सड़क मार्ग भी हैं, जल मार्ग भी हैं, वायु मार्ग भी हैं, जिससे पहुंचा जा सकता है, कठिनाई नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए उस समय की जब इस प्रकार के साधन नहीं थे। यदि इतने बड़े कक्ष में आज किस तल पर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, उसके ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, लोग सुन पा रहे हैं, माध्यम क्या है? एक प्रौद्योगिकी है जिसका प्रारंभ शून्य से हुआ, जुड़ रही है। लेकिन जब ये नहीं था तो इतने लोगों को अगर बिठाते और कहते कि भाई किसी बिंदु पर विमर्श करके कोई निष्कर्ष पर निकलो पहुंचो, तो ये आसान होता क्या? लेकिन क्या दृष्टि रही होगी बिहार में कि इससे बहुत दूर नहीं, यहां से एक घंटे की यात्रा करते हैं तो वैशाली के भग्नावशेषों के पास पहुंचते हैं और उसमें उस संथागार के अवशेष को देखते हैं जिसको आज हम राजा विशाल का गढ़ कहते हैं। बड़ा क्षेत्र है, 7,707 गणराजा इसी प्रकार से चुन के आते थे। हम लोग तो बड़े नजदीक बैठे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि थे, कितने सम्मान से आते होंगे जब वैशाली नगर की ओर पूरे उस वज्री महाजनपद से पहुंचते होंगे और बैठते होंगे संथागार में। और बैठने का उद्देश्य था, प्रत्येक वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे और राज्य परिषद का चयन करते थे जो वैशाली को संचालित करती थी, जो पूरे वज्री महाजनपद को संचालित करती थी। तो ऐसी प्रेरणा कैसे जगी? फिर वही बात, विश्व में कहीं और भी जग सकती थी, बिहार में ही क्यों जगी? तभी तो हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र है, कहते हैं ना। लेकिन ये बात तो कहीं और भी हो सकती थी। क्या दृष्टि थी? दृष्टि शुरू में अद्भुत थी, वेदांत की उसने दर्शन की, दृष्टि बढ़ती गई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, दृष्टि थी तभी तो पहला प्रजातंत्र के रूप में, गणतंत्र के रूप में हमने उसको स्थापित होते देखा। और प्रजातंत्र आज पूरे विश्व का सबसे आदर्श माना जाता है किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए। लेकिन इस प्राचीन काल में कल्पना करने वाले कौन थे? अब वैशाली का पतन क्यों हुआ, इसके इतिहास में अगर जाएंगे तो पाएंगे कुछ समय मगध और वैशाली में, वैशाली तो बड़ी स्थापित थी, ऐसे विचारों के साथ स्थापित हुई थी जिसमें जो सक्षम था शासन कर सकता था, किसी राजा की आवश्यकता थी ही नहीं और राजा के किसी वंश विशेष से आने की आवश्यकता नहीं थी, राजा कोई हो सकता था। इस प्रकार की कल्पना के साथ वैशाली गठित हुई थी। और जब ऐसे सोच हो, जब बड़ी सोच हो तो चीजें बड़ी होती हैं। तो वैशाली बड़ी सामर्थ्यवान थी, सेना भी बड़ी सामर्थ्यवान, सेना के साथ वैशाली की रक्षा की जाती थी। लेकिन मगध को बढ़ना था, मगध को विस्तार प्राप्त करना था, तो मगध और वैशाली में संघर्ष होने लगे। गंगा नदी सीमा को बांटती थी, गंगा में कर लगाने को लेकर संघर्ष होने लगे, अनेक प्रकार के संघर्ष हुए। निष्कर्ष में जब मगध के तत्कालीन सम्राट अजात शत्रु को यह प्रतीत हुआ कि जानना आवश्यक है कि वैशाली का पतन कैसे होगा, तो उसने अपने अमात्य वसाकार को वैशाली की ओर भेजा जहां उस समय भगवान बुद्ध थे, और उनसे प्रश्न करने को कहा कि पता करो कि वैशाली का पतन कैसे होगा, नहीं तो मगध का विस्तार संभव नहीं है। मूल यही निकला कि बुद्ध ने कहा कि यदि वैशाली में पारस्परिक सहयोग की भावना जीवित रहेगी, यदि इसी प्रकार से जितने गणराजा हैं मिलते रहेंगे, प्रत्येक वर्ष पर नियमित सभाएं होंगी, जो राज्य परिषद चुना जाएगा उसमें सहयोग की भावना होगी, तो वैशाली की अभिवृद्धि ही होगी, पतन नहीं होगा। इस बात को लेकर जब अजात शत्रु ने इस पर चिंतन प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने तो कहा कि वृद्धि होगी, लेकिन तब होगी जब सहयोग की भावना बनी रहे, यदि सहयोग की भावना नष्ट हो गई तो इसी काम से उन्होंने वसाकार को वैशाली में स्थापित कर दिया, अपने राज्य से निष्कासित किया, बोलते हुए कि इस व्यक्ति ने वैशाली की प्रशंसा की है, मैं इसे मगध से निष्कासित करता हूं। और वसाकार 3 वर्षों तक वैशाली में रहे और सभी राज्य परिषद के सदस्यों के बीच में, प्रमुख गणराजाओं के बीच में फूट डालने का उन्होंने काम किया। और स्थिति ऐसी विकट हो गई वैशाली में कि
पहले जो 7,707 व्यक्ति मिलकर आराम से निर्णय ले लिया करते थे, जब संघर्ष का बीज उनके मन मस्तिष्क में हुआ तो किसी निर्णय को ले पाने में सक्षम नहीं हो सके। वह वैशाली जो सशक्त रूप में स्थापित थी, जब युद्ध हुआ, पराजित हुई और मगध की सेनाओं ने उसे पराक्रांत कर उसको नष्ट कर दिया, वैशाली की जो परंपरा थी वही नष्ट हो गई। लेकिन मगध की वृद्धि क्यों हुई? मगध बढ़ा चूंकि मगध की भी सोच बड़ी थी, वैशाली का पतन भी तब संभव हो सका चूंकि सोच बड़ी थी, क्योंकि जो सक्षम था वो सशक्त था। यदि किसी अन्य क्षेत्र की कल्पना कीजिए, उस समय के भारत में किसी अन्य महाजनपद की कल्पना कीजिए, तो अपवाद आपको बिहार में दिखते हैं, वैशाली में अपवाद दिखता है गणतंत्र का, मगध में अपवाद दिखता है कि जो शासन का शासक होगा वह किसी भी वर्ग से आ सकता है, आवश्यक नहीं कि क्षत्रिय होगा। क्या दर्शाता है? यदि सोच ऐसी होती, बड़ी रूढ़िवादी होती, तो निश्चित है मगध में भी जब महापद्मनंद सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे थे तो पूरे राज्य में बिल्कुल आपत्ति होती, ऐसी होनी चाहिए थी कि विद्रोह हो जाता। लेकिन यदि ऐसा हुआ होता तो क्या कभी नंदवंश का उदय होता? सोच बड़ी थी तभी तो नंदवंश स्थापित हुई, और जब स्थापित हुई मगध का विस्तार होने लगा, मगध के सामर्थ्य बढ़ा, क्योंकि जो सक्षम थे शासक बने। सोच बड़ी थी लेकिन मगध में बाद में जब आचार्य चाणक्य आए और जब पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण हो रहे थे, उन्हें लगा कि मगध इतना सक्षम है कि प्रत्युत्तर दे सकेगा, और यदि सारे भारत को संगठित करे, अखंड भारत का समाज निर्मित हो गया, तो भारत की ओर कोई विदेशी आक्रांता देख नहीं पाएगा। तब उन्होंने निवेदन किया, लेकिन धनानंद की सोच छोटी थी, छोटी सोच के कारण उन्होंने अपने दायित्व को संभालने से मना कर दिया। तब आचार्य चाणक्य बड़े व्याकुल हुए, और जब व्याकुल हुए तो पाटलिपुत्र से जब निकले, उन्हें बालक दिखा। बालक दिखा, कहानी सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बालक में गुण दिखे कि एक बालक छोटा है लेकिन भारत के सम्राट बनने की क्षमता उसको अपने मन में स्थापित किए हुए, उसी प्रकार से सोचता है, उसी विचार को, जैसे हमने कहा एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, जिस प्रकार से संबोधित करता है उनको क्षमता दिखी। उन्होंने उससे यह नहीं देखा कि बालक किस वर्ग का है, लेकिन क्षमता दिखी, क्षमता का सम्मान होना चाहिए, इस चिंतन के साथ उसकी माता से उन्होंने पुत्र को दान स्वरूप मांगा। और जब चिंतन को लेकर आगे चले, इतिहास साक्षी है, जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे, इतने विशाल भूखंड में हम अखंड भारत की स्थापना इसी पाटलिपुत्र के आचार्य के माध्यम से कर सके, जिसमें छोटे छोटे राज्यों को गणराज्यों को जोड़कर एक अखंड भारत का साम्राज्य बना। कहने का तात्पर्य है कि सोच बड़ी थी, चिंतन बड़ा था, दृष्टि बड़ी थी, दूरदर्शी थी, तभी हम ऐसा अतीत में स्थापित कर पाए। वर्तमान में यदि हम चिंतित होते हैं तो चिंतित नहीं होना है, उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज जो ऐसा कर सकते थे, ऊर्जा तो उनमें तब भी वही रही होगी। जैसे हम लोगों ने बात की उपनिषद की भूमि, हम तो कहते हैं कि असीम ऊर्जा को लेकर हम स्वयं हैं, उसका धारण हम स्वयं करते। जब चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का द्वंद्व, यदि आप जीवन में कोई लक्ष्य तय करो तो उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे इसमें संशय कहाँ है। पूरा यत्न करो, मेहनत करो, निश्चित सफलता मिलेगी। यदि मन में आप सोचते हो कोई लक्ष्य लेकर के नहीं होंगे तो सबसे पहले तो वहीं पराजित हो गए। उसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं चीजों में परिवर्तन आए तो कल्पना करना पड़ेगा क्या भाव थे जो 7,707 व्यक्तियों को जोड़कर एक निर्णय लेने की क्षमता को जन्म देते थे। आज यदि हम देखते हैं लोग संघर्ष कर रहे हैं, छोटे छोटे वादों में उलझे हुए हैं, कोई जातिवाद के नाम पर संघर्ष करता है, बताता है कि भाई हमारी जाति की उन्नति होनी चाहिए, हमारी जाति की स्थिति यह है, हमारे एक प्रकार की प्रतियोगिता चल रही है। तो जब समाज में यदि किसी रथ की हम कल्पना करें जिसको चार पशुओं को मिलकर भी खींचना हो, और चार पशुओं में एक पशु बोले कि मैं आगे जाऊंगा, एक पशु कहे कि मैं पीछे जाऊंगा, एक पशु कहे कि मुझे बाएं जाना है, और चौथा पशु कहे कि मुझे दाहिने जाना है, तो रथ की क्या गति होगी बताइए? कोई रथ है जिसको चार पशुओं को मिलकर खींचना हो, चारों के मन में मति भ्रम हो और सब अपने मन की करना चाहे, तो क्या स्थिति होगी?
रथ चलेगा क्या? तो समाज में यदि अलग अलग अंग हैं जो समाज को निर्मित करते हैं, जिनको समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सभी चलेंगे, उस पर यदि इस प्रकार की मतभिन्नता आ जाए और हर व्यक्ति अपने मन से करना चाहे कि भाई मैं इधर जाऊंगा, मैं अपने साथ उधर जाऊंगा, तो समाज आगे बढ़ेगा क्या? यदि वैशाली की संथागार में 7,707 व्यक्ति अलग अलग मत के साथ चलने लगते, मत एक कभी होता ही नहीं, तो क्या वैशाली उस रूप में स्थापित होती? चिंतन करना पड़ेगा किस प्रकार से। ऊर्जा तो वही है, ऊर्जा वही है जिसने कभी उस रूप में जब कुछ नहीं था उस बिहार को स्थापित कर दिया जिससे आज हम प्रेरित होते हैं। आज तो समय है जब तकनीक है, प्रौद्योगिकी है। आज यदि उस ऊर्जा को उस रूप में समझ गए कि हम पहले तो हम क्या है, उस सत्य को जानेंगे तो हमें तो सारी शक्ति समाहित है, लेकिन शक्ति का प्रयोग यदि हम मिलकर करने लगे, यदि जहां संघर्ष में शक्ति लगाते हैं उसको छोड़कर सोचे कि लोगों को जोड़ा कैसे जाए, कैसे ही प्रयास किया जाए, जैसे इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग मिलकर हम क्या योगदान दे सकते हैं समाज में। निश्चित है यदि हम लोग सोचकर संगठित होकर कुछ प्रयास करेंगे तो परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकेगा। तो पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे मन में भी संकल्पना जगी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, और तब मैंने एक अभियान के विषय में लोगों से विचार साझा करने प्रारंभ किए, जिसको मैंने कहा आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार। कमी नहीं है, उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं जो उस समय स्थापित कर सकते थे जब कुछ नहीं था। आज जब सब कुछ परिवर्तित है, काफी उन्नति प्राप्त कर चुका है, तो आज तो संभावनाएं असीम है। पूरे विश्व को जिस युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं उसको करने में हम सक्षम हैं यदि हम सर्वप्रथम स्वयं को जान गए, अपनी क्षमताओं को जान गए, परिश्रम किए, दृढ़ निश्चय के साथ किए। हर परिवर्तन संभव है। व्यक्तिगत जीवन में जहां जहां मैं भी पदस्थापित रहा, मैंने परिवर्तन को होते देखा है। बघा में एसपी था उस समय जब पोस्टिंग हुई थी, यहीं से गए थे, 2006 में यहाँ आए थे, पोस्टिंग हुई, अचानक रातों रात बघा चले गए। उस समय बघा को मिनी चंबल कहते थे, कितने लोग सुने हैं बघा को मिनी चंबल कहते थे, कोई सुने हैं? क्यों कहते थे? पहाड़ियों से घिरा था, पहाड़ियों से तो घिरा था ही, दियारा भी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी बहुत प्राचीन काल से दस्युओं की परंपरा चल रही थी, डकैत रहा करते थे, और डकैत उस समय ऐसे थे वर्ष 2006 में, पुरानी परंपरा थी, लोगों का अपहरण किया करते थे, किडनैपिंग्स करते थे। पटना सिटी एसपी था उससे पहले, तो यहाँ तो किडनैपिंग होती थी, लोग रैनसम फोन पे आता था, बताया जाता था इतने लाख रुपए नहीं दोगे पैसा होगा। ये बघा की व्यवस्था ही अलग थी, बघा में किडनैपिंग फोन नहीं आता था, मोहर लगा के चिट्ठी आती थी और देने भी कोई आता था, और चिट्ठी में लिखा रहता था हर क्षेत्र का, हर गिरोह का नाम अलग अलग था जो सरदार के नाम से जाने जाते थे, और चिट्ठी में लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, एक मोहर रहती थी हर गिरोह की, उसके नीचे बिहार सरकार और गिरोह का नाम। और रैनसम में केवल पैसे की मांग तो होती ही थी, लेकिन पैसों के साथ साथ चांद मार्का की लुंगी, देशी शराब, इतने पीस खस्सी, इतना किलो गेहूं, इतना पिसा हुआ आटा, इतना सरसों का तेल। जब शुरू में मैंने देखा तो मुझे बड़ा अचंभित हुआ, उस समय आए थे IIT से पढ़े थे, पटना के सिटी एसपी बने, बघा पहुंचे तो उस प्रकार के FIR में चिट्ठी देखने लगी जिसमें बड़ी लंबी सूची रहती थी, तो सोच रहे क्या चल रहा है भाई। लोगों से बात हुई, किडनैपिंग्स हुई, उस समय पुलिस मुख्यालय को बताया कि भाई बड़े चिंतित थे, पटना में किडनैपिंग होती थी, लोग कैंडल लाइट लेकर रोड पर निकल जाते थे, बड़े रात पर नींद नहीं आती थी, लेकिन उस समय जब बघा में किडनैपिंग हुई और मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया तो किसी को चिंता ही नहीं थी, बोले रहे वहाँ होता रहता है तुमको भी आदत लग जाएगी। स्टेटिस्टिक्स देखे तो देखे किसी वर्ष 126 किडनैपिंग केसेज हैं, किसी वर्ष 50 हैं, कभी बढ़ती है कभी घटती है, और पता किए पता चला बहुत दर्ज भी नहीं होते हैं, लोग व्यवस्था कर लेते हैं कि भाई अगर हुआ तो ये कैसे, तो पता चला कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की सुविधा है, अमुक तिथि पर इतना प्रतिशत इतने सामान सूची में लेके आ जाइए तो छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद इस तिथि पर नहीं लाए फिर पकड़ लेंगे। तो किडनैपिंग मतलब उसको किडनैपिंग छोड़ के पकड़ना कहते थे, कोई फलाना आदमी पकड़ा गया, तो अलग स्थिति चल रही थी, और जब चलती रही है इस प्रकार से तो मैंने देखा
कि हर गिरोह स्थापित है, उसका अपना क्षेत्र है, जो स्वयं को बिहार सरकार कहता है, वास्तव में अनेक लोगों की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, बिहार सरकार की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, और उसमें उस क्षेत्र में गन्ना लगता था, शुगर केन, सारी राशि जो उसे होती उसको स्वयं प्राप्त करते थे, उसी गन्ने के खेत में लोगों को पकड़ के लाते थे, छुपाते भी थे। तो पहली बात चिंतन, कैसे हो, लोगों से पूछते तो लोग बताते कि भाई तो अंग्रेजों के समय भी अपराध था, लोग कहते थे यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, एक अंग्रेज अधिकारी ने गजटियर तक में लिख दिया। और उससे भी पहले अगर देखें तो ये तो महर्षि वाल्मीकि की भूमि, आप याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे, उस समय जब ऐसे लोग थे तभी तो वाल्मीकि हुए, तो जब वाल्मीकि की भूमि है तो समाज कैसे लोग होंगे, चिंतन देखिए, जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई वाल्मीकि थे इसीलिए आज भी यहाँ से अपराध नष्ट हो ही नहीं सकता। मिनी चंबल बन गया, चंबल किस लिए फेमस है आप भी जानते हैं, तो बिहार का मिनी चंबल बन गया चंपारण, वह चंपारण जो परिवर्तन की भूमि थी, सबने देखा किस प्रकार सत्याग्रह आंदोलन के भी जो परिकल्पना जगी तो चंपारण से ही जगी, लेकिन चंपारण की स्थिति जब यह हुई तो पहले तो गन्ना कटा, गन्ना काटने में कोई तैयार नहीं था, मजदूर आए दूसरे क्षेत्र से, दूसरे जिले से बुलाए गए, उनको रखा गया पुलिस के संरक्षण में, इतना भय व्याप्त था, इतनी दहशत थी कि लोग काटने को तैयार नहीं, शिविर बना, पुलिस रही, उस समय सैप नया नया आया, सैप के जवान लगे, लोगों को बताया गया, रात में रामायण टीवी पर दिखाया जाता ताकि मजदूर भागे नहीं, और गन्ना कटना शुरू हुआ। तो गन्ना जब कटा तो करीब 25 लाख रुपए वर्ष 2006-07 में सरकार के खजाने में जमा हुए, जो सामान्यतः उन गिरोह के पास जाते जो गैंग चलाते थे, उनको कहते थे जंगल पार्टी, दस्यु गिरोह। आर्थिक रीढ़ पर जब हमला हुआ और उसके साथ मैं भी उस समय 26-27 वर्ष की अवस्था थी जब SP बना था, बघा का पहला चार्ज था मेरा, तो ऊर्जा भी एक अलग थी, साथ में शारीरिक फुर्ती भी अलग थी, तो घर में नींद आती ही नहीं थी, जब डकैत आसपास घूम रहे हो तो नींद कहाँ आएगी, तो वही दियारे में जाकर सोना शुरू हो गया, कभी यहाँ सोते कभी वहाँ सोते, मज़ा भी आता था, अनेक प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों से भी साक्षात अनुभूति होती थी, तो आनंद अलग था, लेकिन साथ साथ उस भय को हम लोगों ने व्याप्त किया और आर्थिक रीढ़ पर हमला किया। लेकिन परिवर्तन कब आया, परिवर्तन तब आया जब जितने भी गिरोह थे उनके परिजनों से हम लोगों ने बात करनी शुरू की, क्योंकि यदि ऐसा करते रहते कुछ मारे भी गए पकड़े गए, आर्थिक रीढ़ पर हमला हुआ, कमजोर हो चुके थे, लेकिन जब उनको समझाने का हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई तुम कहते हो कि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है इसीलिए अपराध समाप्त नहीं होगा, लेकिन स्मरण को यदि रत्नाकर रत्नाकर रहे होते, वाल्मीकि में परिवर्तित नहीं हुए होते, तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता है? वाल्मीकि क्यों पूज्य हो गए? क्योंकि वाल्मीकि ने, रत्नाकर ने अपने जीवन में निर्णय लिया परिवर्तन का और परिवर्तित हुए, और जब परिवर्तित हुए सकारात्मक विचार थे तो वाल्मीकि बनकर समस्त विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया जिनकी हम पूजा करते हैं। तो अपने जो परिजन भटक गए हैं उनको क्यों नहीं समझाते कि इस भूमि के प्रति उनका भी दायित्व है, इसी भूमि ने उन्हें जन्म दिया पोषित किया है, लेकिन उसी को भयाक्रांत कर किस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जिसमें भूमि का भविष्य अंधकार में है। जब इस प्रकार की बातें करनी शुरू हुई तो बातें जब मन से निकलती हैं तो मन को छूती हैं। बघा में ऐसा ही हुआ, सर्वप्रथम एक डकैत ने सरेंडर किया, हम लोगों ने जो बातें की थी कि उनका पुनर्वास कराएंगे उसका पूरा प्रयास हुआ, और उसके बाद श्रृंखला बन गई, 26 मुख दस्यु सरगनाओं ने समर्पण किया एक वर्ष के अवधि के अंदर, और स्थिति यह रही कि अपहरण जहां 150 होते थे वर्ष 2008 में शून्य तक पहुंच गए, एक भी अपहरण नहीं हुआ, और मिनी चंबल आज बिहार में कहीं नहीं है। जिस वाल्मीकि नगर की ओर जाने में पूरे पूरे बस को भी किडनैप कर लिया जाता था, आज पर्यटक भ्रमण कर रहे हैं, बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, नए होटल बन रहे हैं, परिवर्तन कैसे संभव हुआ? पहले अभियान चलते थे व्हाइट पैंथर ब्लैक पैंथर, पुलिस वाले जाते थे अलग से लोग आते थे, सफलता नहीं मिल रही थी, उसी के बाद पोस्टिंग हुई रोहतास, रोहतास की स्थिति बड़ी विकट थी, रोहतास का नाम सुनते ही स्मरण करते हैं राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का, कहानी है किस प्रकार उनको किस समय वन में रहना पड़ा, एक दुर्ग स्थापित हुआ जिसका नाम रोहतास था, जब रोहतास पहुंचे स्थिति बड़ी विकट थी, उग्रवादी गतिविधि चरम पर थी,
ये कई थानों पर आक्रमण हो चुका था, हर वर्ष अनेक पुलिसकर्मी मारे जाते थे। वर्ष 2006 में विक्रमगंज, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता भी नहीं है, वहाँ के DSP शहीद हो गए, बिल्कुल पटना से 2 घंटे की दूरी पर। 2007 में 2 थानों पर हमला हुआ, दर्जनों पुलिस वाले मारे गए। ये श्रृंखला चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, अघोषित युद्ध चल रहा था, और इतना कठिन था चूंकि रोहतास कैमूर के पर्वत पर जहाँ वो दुर्ग स्थापित है, करीब 3200 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए तो नीचे चढ़ना आसान नहीं है। उस दुर्ग के बारे में मध्यकाल में कहा गया कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से जीता नहीं जा सकता, केवल छल से ही जीता जा सकता है। उसका प्रमाण भी इतिहास में मिलते हैं, जब पढ़ते हैं खरवारों से, जब उड़ाव से, जब खरवारों ने उस दुर्ग पर विजय प्राप्त की तब भी छल का सहारा दिया, जब खरवारों से शेरशाह सूरी ने, जो अफगान शासक थे, उन्होंने उस दुर्ग का विजय प्राप्त की तब भी छल का ही सहारा लिया था। उस दुर्ग पर जो इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण थी, जो पूरे पूर्वी भारत की राजधानी थी, कभी बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा समेत उस क्षेत्र की जहां से शासन किया जाता था, उसकी स्थिति ऐसी थी, उग्रवादियों का कब्जा था। पूर्व में डकैत रहा करते थे और डकैत गिरोहों के समाप्ति के पश्चात वहां उग्रवादियों ने अपना स्थापत्य कर लिया, और ऐसा कर लिया कि जिले के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसा भय का वातावरण था कि पुलिस भी जाने में डरती थी। और स्थिति ये थी, जब राष्ट्रीय उत्सव होते, 15 अगस्त आता, 26 जनवरी आती, तो रोहतास किले पर काले झंडे लहरते थे, जिसके समाचार समाचार पत्रों में मिलते थे, पूरे बिहार में छपते थे। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी चिंता हुई। प्रारंभ में गया तो काफी गोलियां भी चली, बहुत सारे ऑपरेशन चले, लेकिन उसमें जब लोगों से बात होने लगी तो देखा कि जो आदिवासी हैं, जो मुख्य रूप से उग्रवादियों का संरक्षण देते हैं, उन्हीं के वंशजों के द्वारा दुर्ग को निर्मित किया गया था, उस अभेद्य दुर्ग को। और जितने भी आदिवासी हैं, चाहे उड़ाव जाति के हों, खरवार हों, उसी दुर्ग को अपना उद्गम स्थल मानते हैं, पूजा करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। हम लोगों ने संवाद स्थापित करना प्रारंभ किया, अभियान चले, भी बहुत नजदीक से बचा, 6 इंच से गोलियां निकली, वो भी एक नहीं 50 गोलियां चली, अनेक प्रकार के संघर्ष हुए, लेकिन संघर्ष से परिवर्तन नहीं होता। सभी आदिवासियों के बीच इस भावना को हम लोगों ने बताना शुरू किया कि यदि तुम्हारे पूर्वज इतने यशस्वी थे, जो ऐसे महान कीर्तिमान को 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित कर सकते थे, उस समय जब कुछ नहीं था, तो क्या ऊर्जा रही होगी। स्मरण करो, यदि ऊर्जा के वंश आंशिक रूप में भी तुम आज विद्यमान है, तो उस ऊर्जा के साथ क्या तुम अपने क्षेत्र में शांति नहीं स्थापित कर सकते, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पुलिस को देखकर लोग भाग जाया करते थे, जहां लोगों ने बल्ब नहीं देखा था। 2008 में बच्चों को बुलाकर हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया टूरिस्ट गाइड बनने का, कि यदि तुम टूरिस्ट गाइड बन गए तो घूमने आएंगे तो कैसे जाएंगे। उनको साइकिल दिए, टॉर्च दिए, बताया उन आदिवासी बच्चों को कि तुम टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, अपने क्षेत्र के विकास के प्रतिनिधि बन सकते हो, उसके वाहक बन सकते हो। दृष्टि बदली, जो लोग पुलिस को शत्रु मानते थे, संघर्ष किए जा रहे थे कुछ काल्पनिक सोच को लेकर, जब उनको लगने लगा कि बातें तो हमारे लिए हो रही, हमारे हित में हो रही हैं, और यदि शांति स्थापित नहीं हुई तो क्षेत्र का विकास संभव नहीं होगा, तो जिस क्षेत्र को उग्रवादी लिबरेटेड जोन मानते थे, उनको लगता था इस क्षेत्र में पुलिस का कोई प्रभाव नहीं है, हम लोगों ने भी जब प्रभाव उस प्रकार से स्थापित करने का प्रयास किया जहां केवल बल से प्रयास होना था, तो पुलिस को भी क्षति ही पहुंची थी। लेकिन जब वहां बात हृदय से निकली, उद्गार हृदय तक पहुंचे, और बात हुई कि संघर्ष नहीं सहयोग कीजिए, इतिहास से प्रेरित उस भावना को जागृत कीजिए, जो आपकी विरासत है, आपके पूर्वजों की स्मृति है, उसको साक्षात जीकर दिखाइए, क्षेत्र बदल गया। उग्रवादी बाध्य हो गए, शस्त्रों के साथ समर्पण करना पड़ गया। आज जिस दुर्ग पर कभी जाते थे गोलियों की बरसात होती थी, 4 दिसंबर 2021 इसी महीने जब मैं गया, तो पूरे क्षेत्र में करीब 40 स्थानों पर लोगों ने स्वागत किया। जिस क्षेत्र में लोग रात में निकलते नहीं थे, आदिवासी लड़कियां थीं, मार्ग में पुष्प गुच्छ लेकर खड़ी थीं रात्रि में 11 बजे तक, बिहार झारखंड के सीमा पर। सबके मन में यही था कि आपने जो उस समय अभियान चलाया था, जिसका नाम सोन महोत्सव था, उसने परिवर्तन को साक्षात कर दिया है।
जहाँ लोग रात में निकलने की क्या दिन में निकलने के नहीं सोचते थे, वहाँ रात के 11 बजे नृत्य हो रहा था। और जब रोहतास किले पर गए तो नृत्य के साथ स्वागत हुआ। उस रिहल गांव में भी हुआ जहाँ कभी 2002 में DFO थे उस समय संजय सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। आज क्षेत्र में ऐसी शांति है कि आप जहाँ चाहें वहाँ पर तंबू लगा के आप कैंप कर सकते हैं। अनेक प्रकार के लोग इस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। इतनी सुंदर प्राकृतिक रूप में वो है कि यदि कोई भी व्यक्ति जाएगा तो निश्चित प्रभावित होगा। 200 से अधिक झरने, उस क्षेत्र में ऐसी अशांति थी, लेकिन परिवर्तन संभव हुआ जब मन शुद्ध विचार मन से निकले, लोगों से जोड़ना हम लोगों ने प्रारंभ किया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ा, जोड़ते जोड़ते श्रृंखला बनी जिसने शांति स्थापित कर दी। तो साथियों, जीवन में जब सोचते हैं ना हम कि हम कुछ करना चाहते हैं और तब लगता है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सोचना मत। यदि अपने संभावनाओं के विषय में संदेह है तो तुम्हारे मन की एक सीमा मात्र है। सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता तुम में है और तुम कर सकते हो, यदि उस मन को, उस विश्वास को अपने अंदर तुम जान गए तो कर सकते हो। असीम शक्ति है। संभव है कि जिस दिन कुछ नया करोगे, कुछ अलग करोगे, तो लोग मिलेंगे जो बताएंगे, मार्ग से भ्रमित करेंगे और बताएंगे ये संभव नहीं है, क्यों इसमें अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो। विश्वास को टिकने मत दो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, विचार निश्चित सिद्ध होगा, स्थापित होगा। और हर व्यक्ति में जो असीमित ऊर्जा का स्रोत है, यदि स्थापित हो गए परिश्रम के साथ, स्थापित होने के पश्चात योगदान करने लगे, संगठित रूप में करने लगे, तो क्या बिहार का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा? अगर हर व्यक्ति समर्पित हो जाए, ठान ले कि जीवन में कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे कि बिहार वासियों को न केवल प्रेरित करेंगे, योगदान करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, हर गांव में विद्यालयों में पढ़ाई अगर होती है, उसको हम कहते हैं कि पढ़ाई खराब होती है, तो कारणों पर चिंतन करें क्यों खराब होती है। यदि शिक्षक उसके लिए जिम्मेदार हैं तो शिक्षकों में सुधार कैसे हो? यदि विद्यार्थी उसके लिए जिम्मेदार है तो विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित किया जाए कि पढ़ें, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागें। यदि चिंतन करने लगे, ऐसे 50 लोग भी हर विद्यालय के साथ जुड़ गए जो सक्षम है, जो सफल है अपने जीवन में और योगदान दें, जो आर्थिक दे सके आर्थिक योगदान दें, जो कुछ पढ़ा सकें, शिक्षकों को प्रेरित कर सकें, शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकें, उसमें योगदान दें, अच्छे मन से दें, ये सोचकर नहीं दें कि इसमें मेरा स्वार्थ क्या है, मैं तो बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ, उस रूप में स्थापित होते देखना चाहता हूँ जिसने उस काल में प्रेरित किया था, तो क्या परिवर्तन संभव नहीं होगा? हर विद्यालय से ज्योति निकलेगी जो पुलकित करेगी, प्रफुल्लित करेगी उस अभियान को जो युग परिवर्तन के निमित्त होगा। हर व्यक्ति को समझाना होगा कि ये तुम छोटे छोटे खंडों में बंटकर लघुवादों में जातिवाद के नाम पर संघर्ष करते रहोगे तो उस ऊर्जा को तुम नष्ट कर रहे हो जो पूरे सृष्टि को संचालित करने की, नवनिर्मित करने की क्षमता रखती। जोड़िए लोगों को, बताइए सकारात्मक दृष्टिकोण से, और जो सकारात्मक हमको साथ मिलकर जोड़कर जब चलेंगे, निश्चित ही उस ऊर्जा को जो प्रभावित करेंगे, जैसे मैं प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ आया, सकारात्मक वातावरण में आया, तो मैंने तो एक अभियान प्रारंभ कर दिया। हर व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है, यदि मन में संकल्प लेकर जाए कि समाज में कुछ करना है, जुड़कर करना है, सहयोग के साथ करना, संघर्ष को मिटाकर करना है, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? हम देखते हैं कि भैया किसी कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमको नौकरी दे दे, जो हमको ये दे दे, हमको वो दे दे। जिस व्यक्ति के अंदर असीम सामर्थ्य विद्यमान हो, यदि कहीं और देखता रहे तो क्या होगा? यदि हम उस चिंतन के साथ, पुरुषार्थ के साथ जो हमने स्थापित है, प्रयास करने लगे बड़ी दृष्टि के साथ, उस दृष्टि के साथ जिस बड़ी दृष्टि के साथ कभी वेदांत का दर्शन संभव हुआ, कभी वैशाली स्थापित हुई, कभी विश्वविद्यालय स्थापित हुए, उन्हें यशस्वी पूर्वजों के भाग बनकर सोचें, तो क्या छोटे छोटे उद्यम हम स्थापित नहीं कर सकते? क्या वो क्षमता में नहीं है? क्यों हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं? हर व्यक्ति में असीम क्षमता है एक नए निर्माण का, एक संकल्पित जो भी मन में लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का। और जब सामूहिक रूप में, सुदृढ़ रूप में हम संगठित हो गए, सकारात्मक ऊर्जा जब संगठित हो जाती है, असीम ऊर्जा है, इधर उधर जाएगी तो बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन संगठित होकर जब चलेंगे तो जैसे जब पशुओं के बीच में तारतम्य होता है तो रथ तीव्रता प्राप्त करता है, समाज आगे बढ़ेगा, बिहार जगेगा, और जिस प्राचीन काल में जिसकी ओर पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे उसको हम पुनः जागृत कर सकते हैं। बात ऐसी नहीं है जो संभव है। अपने जीवन में तो मैंने साक्षात उदाहरण दिए, ऐसे स्थानों पर मेरी पदस्थापना हुई जहाँ लोग कहते थे कि असंभव है, कोई मेरी चंबल कहता था, कोई कहता था तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन जब लोग जुड़े
जुड़ते गए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ तो जिस दुर्ग पर कभी काले झंडे लहराया करते थे 26 जनवरी 2009 के बाद राष्ट्रीय ध्वज लहराने लगा। जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, आज पर्यटक घूमते हैं, प्रचार करते हैं। आज एक समय ऐसा था जब उस दुर्ग की तस्वीरें कहीं इंटरनेट पर नहीं थी, आज खोज कर देख लीजिए, एक से एक तस्वीरें आपको मिलती हैं। हर वांछित परिवर्तन संभव है, मन में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के साथ निष्ठा के साथ प्रयास होने चाहिए, शुद्ध मन से होने चाहिए, और कोई भी प्रयास तभी सार्थक होगा, दृढ़ निश्चय अपने जीवन में भी, सामाजिक रूप में भी, राष्ट्र के लिए भी। और जब ऐसा सोचने लगेंगे, इस रूप में हम प्रेरित होंगे, जब अपने सत्व को जान जाएंगे, यदि प्रेरणा स्वयं तक रही तो वही नष्ट हो जाएगी, उसका प्रसार होना भी आवश्यक है, तभी हम युग परिवर्तन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिसके निमित्त क्रांतीय युवा प्रकोष्ठ प्रयास कर रही है। उसने मुझे भी परिवर्तित किया, आपको भी परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर जब रजत जयंती है, अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अनेक युवा मनों को। इसी प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम जगाते रहें, क्योंकि जो जग गया वह युग परिवर्तित कर देगा। धन्यवाद।